दोस्तों मैं आपका विश्वकर्मा जी टेक्निकल में स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ BTOP। ठीक है दोस्तों, BTOP का जो रिवैल्यूएशन फॉर्म है या सिक्योरिटी है, अगर आप दोस्तों अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है तो आप उसे रीचेक का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रीचेक का फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा और स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको BTOP सर्च करना है और result.btopexam.nic.in पेज आना है। ठीक है दोस्तों, तो result.btop देखिए ये वेबसाइट है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है आपको। तो इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेबसाइट खुल जाने के बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ से आप रिजल्ट अपना देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद शो मोर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्कूटनी और रिवैल्यूएशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, स्कूटनी और पुनः मूल्यांकन से संबंधित सूचना के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वो किसी सब्जेक्ट में बैक है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको 17 नंबर से कुछ कम आया है तो भी आप रिचेक का फॉर्म डाल सकते हैं, रिवैल्यूएशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, रिचेक और रिवैल्यूएशन फॉर्म में क्या प्रोसेस है इसको मैं ओपन करके तथा इसके पूरी डिटेल और इसके बारे में मैं कैसे भरा जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो पर बने रहिए और शुरू से लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सचिव प्रबंधित शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी या रिवैल्यूएशन का रजिस्ट्रेशन, इसकी मैं पूरी प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले जान जाइए क्या क्या प्रोसेस है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना अलॉटमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको भरने का ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 24 घंटे के बाद दोस्तों आपको सेकेंड ऑप्शन उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद 24 घंटे बाद आप उसके पे फीस ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, उसकी पेमेंट की फीस आप ऑनलाइन करेंगे। देखिए जैसे कि दे रहा है स्कूटनी अगर आपको करना है तो 60 रुपये देना होगा। ठीक है, स्कूटनी यानी कि कापी के नंबर को गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक छूट गया है तो उसको जोड़ा जाएगा और पूरा मूल्यांकन यानी कि कापी को फिर से जांचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फीस कितना है स्कूटनी का दोस्तों 60 रुपये है, और पूरा कापी रीचेक का ऑप्शन है दोस्तों, ये 500 रुपये पर कॉपी है। ठीक है दोस्तों, तो आप डाल सकते हैं जितना आपको डालना है। उसके बाद पेमेंट कैसे होगा इसके भी मैं प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। तो देख सकते हैं 24 घंटे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके 24 घंटे बाद आपका पेमेंट होगा। तो यही ऑप्शन है इसमें दोस्तों, तो देखिए मैं सभी आपको करके दिखाऊंगा। आप इसका पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI ATM कार्ड और डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे अदर पेमेंट मोड। ठीक है दोस्तों, SBI ब्रांच UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पेमेंट करने के बाद देखिए दोस्तों तीसरा है आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है दोस्तों, भुगतान के 24 घंटे बाद तृतीय विकल्प। ठीक है दोस्तों, भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत छात्र छात्राएं आवेदन के उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट के पेमेंट के माध्यम से रिसिप्ट को प्रिंट कर लें। आवेदन पेमेंट रिसिप्ट करने के बाद अपने संस्था के प्रधानाचार्य को जमा करें। ठीक है दोस्तों, उस प्रिंट को वो प्रिंट करने के बाद अपने संस्था में जमा करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही तीन प्रोसेस था और कुछ प्रोसेस नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी असमंजस अगर आपको कोई परेशानी है दोस्तों तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए लास्ट डेट आपको दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 5/3/2020 दोस्तों। आप इतनी तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 5/3/2020 है और पेमेंट रिसिप्ट जो है आपको 7/3
2020 तक दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है। आप रजिस्ट्रेशन आपको 5 तारीख से पहले ही करना है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और इसका प्रोसेस मैं अभी बता दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करने का, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, पेमेंट का चार्ज है। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप किसी शॉप पे जाकर भी करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप स्वयं करें और प्रिंट कर लें, ठीक है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन में कोई खास प्रोसेस नहीं है, मैं अभी आपको बता दूंगा दोस्तों। तो देखिए अंतिम तिथि इतना है दोस्तों, स्क्रूटनी पूर्व उपरोक्त ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर इसके बाद आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये हो गया आपका, मैं अब आपको फॉर्म भरने पे ले चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फील देखिए, फील रिवैल्युएशन सिक्योरिटी स्क्रूटनी फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन और VTUPExam.in इस वेबसाइट पर ले जाएगा आपको। इस वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों चार ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी रिफाइल रजिस्ट्रेशन आफ्टर पे ऑनलाइन आफ्टर फी सबमिटेड टेक रिसीव, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस पर करना है रजिस्ट्रेशन, आपको सबसे पहले करना है। तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यह रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपना अलॉटमेंट नंबर डालेंगे, तो मैं अपना अलॉटमेंट नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है दोस्तों। मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरा अलॉटमेंट नंबर ये है, जो कि हाइड होगा। आप अपना अलॉटमेंट नंबर और रोल नंबर डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दे देगा, ठीक है दोस्तों। मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट का नाम, आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। तो आपको जो भी सब्जेक्ट का डालना है, स्क्रूटनी या रिवैल्युएशन, रिवैल्युएशन में आपको एक सब्जेक्ट का 500 रुपये देना होगा और स्क्रूटनी का 60 रुपये देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपना ये मेरा पेपर कोड है, मैं इस पेपर कोड को हाइड कर देता हूँ। और आप लोग मेरे जैसे इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी है, इसको मेरे को रिचेक डालना है, स्क्रूटनी डालना है, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रूटनी पर क्लिक करेंगे और मेरे को स्क्रूटनी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे को एक और सब्जेक्ट इन्वायरमेंट स्टडी, इस सब्जेक्ट में मेरे को जाना है, तो इस दोनों पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो देखिए अभी 120 रुपये टोटल आपका हो गया, देखिए दोस्तों टोटल फीस अमाउंट। और इसको सेव करेंगे, ठीक है दोस्तों। सेव करने के बाद इसको आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करेंगे कैसे, देखिए सेव करने के बाद प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों ओके करने के बाद यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन आया दोस्तों, तो देखिए इसको हम प्रिंट कर लेंगे। इसको प्रिंट स्क्रिप्ट करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर आपका, ब्रांच और आपका पूरा नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, गवर्नमेंट किस इंस्टीट्यूट के हैं, और फिर फीमेल से आएगा, और प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो एफ रिव्यू दिखा देगा, यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं पहले से प्रिंट कर लिया हूँ, तो मैं प्रिंट नहीं कर रहा, आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस मैं ले चलता हूँ। उसके बाद फिर से आप फील्ड इवैल्यूएशन सिक्योरिटी फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से रजिस्ट्रेशन .VTUPExam.in पर जाएंगे। इसका लिंक अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वेबसाइट का, तो आप यहाँ से आ सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से आ सकते हैं। इसकी दो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक VTUPExam.in है, result.VTUPExam.VTUPAC.in, ठीक है दोस्तों। इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और विजिट करें। उसके बाद पे फीस अप्ली, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। अगर देख रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको प्रिंट जो स्क्रिप्ट है मैं प्रिंट अपनी दिखा देता हूँ कहाँ पे है। स्टूडेंट कैन बी सबमिटेड देयर सिक्योरिटी रिवैल्युएशन 24 आवर्स ऑफ फ्रॉम सबमिटेड आफ्टर सबमिटेड सिक्योरिटी रिवैल्युएशन फीस, ठीक है दोस्तों। आफ्टर सबमिटेड 24 आवर्स के बाद हमको सेकेंड ऑप्शन प्रिंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं पहले ही बताया हूँ,
कि कैसे क्या, मैं सेकेंड प्रोसेस आपको शाम तक वीडियो डाल दूंगा। तो आप पे फीस ऑनलाइन कैसे फीस करेंगे दोस्तों, तो इसकी वीडियो आपको शाम तक पार्ट सेकेंड अपलोड की जाएगी। तो मैं रजिस्ट्रेशन बता दिया, उसके बाद पे फीस बता दूंगा शाम को दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।